मैं हूँ अनु और अनु की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ले आए हैं खस्ता लेयर मछली की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है घर पे बनाना। तो होली आ रही है फ्रेंड, ऐसे में ऐसा कोई नाश्ता हो जो रेडीमेड है, तुरंत बना के रख लें और काफ़ी दिनों तक इसको हम सेव कर सकें, और जब भी कोई मेहमान आए तो इजली इसको हम खिला सकें। तो ये वही वाला नाश्ता है, तो अभी होली में आप इसको बना के पहले से रख लीजिए, जब कोई आए मेहमान तो आप उसको अच्छे से इसको खिला सकते हैं, चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है उसको जरूर क्लिक करिए और आज सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपसे जल्दी पहुँच जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है, क्या क्या लगता है इसमें। पहले हमें मैदा चाहिए फ्रेंड्स, तो 1.5 कप मैदा हम ले लेंगे। अब ये 1 कप हो गया, आधा कप और फिर 1.5 कप हो गया, इसमें चार लेंगे। तो चार लेना ज़रूरी होता है, अगर कोई गंदगी है वो हट जाएगी। इसका इस तरह से मोइन डालेंगे, तो 5 चम्मच डाल दे रहे हैं। हम बाकी चीज़ें भी डालेंगे, तो ये कलौंजी है तो 1/2 टीस्पून में ले लिया है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। और इस तरह से कसूरी मेथी है, इसको रोस्टेड है, ये इसको भी ले लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून है, और इसको सबको अच्छे से मिलाना है पहले। अभी नमक नहीं डाला हमने, तो नमक भी डाल लेते हैं, 1 टीस्पून डाल दिए, तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसको अच्छे से मिलाना है, जितना अच्छे से इसको रब करेंगे हाँ ये बढ़िया बनेगा। तो जो भी इसमें बड़े बड़े इस तरह से पार्टिकल, ये अच्छे से इसमें मिल जाने चाहिए। कि अच्छे से बन रहा है कि नहीं, अभी देखिए ठीक से नहीं बन रहा है, निकल जा रहा है। थोड़ा सा और डालेंगे, 1 चम्मच और डालेंगे भर के, तो 1 साथ कभी भी बहुत ज़्यादा मोइन मत डालिएगा, थोड़ा सा चेक करिएगा ज़रूर। अब अच्छे से इस तरह से देखिए लड्डू बन रहा है, बिल्कुल निकल नहीं रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट मोइन है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त आटा गूंथेंगे, तो रोटी के जैसा आटा नहीं बनाना है इसका, इसको जैसे थोड़ा सा रोटी से सख्त होना चाहिए और इतना भी सख्त ना हो कि बेल ना पाए, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे इसमें, इतना होना चाहिए टाइट, और इससे ज़्यादा हम इसको इसमें पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल सही है ये। और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ढक देते हैं इस तरह से। कि हमने बटर ले लिया है, करीब 60 ग्राम बटर है ये, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसको आप मेल्ट बिल्कुल ना करिएगा, थोड़ा ही इसी तरह होना चाहिए, मतलब तो बाहर निकाल दीजिएगा इसको, थोड़ा फ्रिज से बाहर निकाल के इस तरह से अच्छे से इसको फेंटना है। और इसमें हम डालेंगे, ये चावल का आटा है तो 2 बड़े चम्मच हैं, इसको मिला लेते हैं पहले। और ये कॉर्नफ्लोर है, ये भी हम 2 बड़े चम्मच डालेंगे, और थोड़ा सा इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तो जैसे कि ये एकदम फ्लफी हो जाए बिल्कुल अच्छा सा, तो बिल्कुल अच्छे से इसको हमको इसमें मिलाना है और एक पेस्ट के जैसा बनाना है। तो 10 मिनट हो गया है, देखते हैं आटे को, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा इस तरह से इसको और गूंथ लेंगे, और सॉफ्ट हो जाए, देखिए बिल्कुल सेट होने के बाद एकदम अच्छा सा हो गया ये आटा। अब इसके हम बराबर से गोलियां बना लेते हैं। तो जो हमने इसमें चावल का आटा 2 चम्मच भर के डाला है, उससे क्या होगा, लेयर हमारी बहुत अच्छी बनेगी मछली की, और कॉर्नफ्लोर से भी बहुत अच्छा बनेगा, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, इसको जरूर डालिएगा, फिर देखिएगा कितना बढ़िया खस्ता और लेयर वाली इस तरह से मछली बनती है आपकी। तो हमें इसकी रोटियां बनानी है बराबर साइज की, चिट्टा कर लिया। अब एक एक उठा के उसको ढक देते हैं, तो हवा लग जाएगी, और एक इस तरह से बेलेंगे, तो थोड़ा सा बर्तन लगा लेते हैं,
पतली रोटी इसकी बनाएंगे। तो जो हमने इसमें जो अजवाइन और कलौंजी और ये सारी चीज़ें डाली ना, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आएगा इसका। और ठीक है, और लेयर वाली बन रही तो बहुत ही, और वो भी हम बटर का बना रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। तो एक बार जरूर बनाइए। घी से तो आपने कई बार इस तरह से साटा बनाया होगा, एक बार बटर से बना के देखिए, तो आपको हमेशा ये अच्छा लगेगा, और कोई अच्छा ही नहीं लगेगा आपको। इतना पतला हमने बेल लिया है, ऐसे आप भी बेलिएगा। और सारा हम इसी तरह जो हमारी 6 गोलियां बनी है, ऐसे ही बना के हम बेल के रख लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। हमने अच्छे से बेल ली है। अब एक एक रोटी उठाएंगे और इसमें साटा लगाएंगे। तो जो हमने मक्खन का बनाया है, मक्खन चावल का आटा और कांटोर 2 चम्मच चावल का आटा है। कितना अच्छा ये पेस्ट बन के तैयार हुआ है। अब इसको थोड़ा सा लगाएंगे इसे, और अच्छे से हाथ से ही इसको स्प्रेड करेंगे। तो हाथ से बहुत अच्छे से हो जाता है ये, तो ब्रश से मत करिएगा। किनारे पर भी लगाना है, हर तरफ लगाना है इसको। तो बटर से आपने कभी नहीं बनाया होगा, एक बार बटर से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर एक और इस तरह से रखते जाएंगे इसी के ऊपर, ऐसे लेयर बराबर एक के ऊपर एक करके, और इसी तरह ये लगाते जाएंगे बटर का, जो हमने क्रीम तैयार की है। तो हर तरफ लगाना है बराबर से, जैसे हमारी लेयर अच्छे से निकल आए। पूरी हमने बना के रखी है रोटी, ये सारा ऐसे ही इसमें ये बटर हम लगाते जाएंगे बराबर से। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको अगला स्टेप कैसे करना है। इस तरह सारा लेयर हमने तैयार कर ली है, सारा एक ऊपर एक जो रोटी थी हमारी, अच्छे से लगाते हुए बटर को इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही इसमें दबाते हुए आगे की ओर मोड़ेंगे इसको, और टाइटली मोड़ना है, नहीं तो खुल जाएगा। तो जितना ज़्यादा पूड़ियाँ होंगी उतना ज़्यादा अच्छी लेयर होगी आपकी। तो आप एक का भी बना सकते हैं, दो का भी बना सकते हैं। तो 6 बनाते हैं तो हमने 6 ही पूरा एक साथ कर लिया। इस तरह से थोड़ा इसको फैलाते भी जाएंगे कि ये आगे को अभी थोड़ा लंबा करेंगे इसको ऐसे ऐसे करके। तो थोड़ा इसको लंबा कर लें इस तरह से हाथ से। इसको जहाँ पे ज्वाइंट है ये, इसको थोड़ा हाथ से ऐसे कर लेंगे। हम काट के एक एक इसका पीस अलग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूर पे इतना बड़ा आपको बनाना है, तो इस तरह से कट लगा देंगे सही जैसा लगे। देखिए सब एक ही जैसा हो। बहुत दबा के हमें इसको नहीं बेलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम गोल कर लेंगे थोड़ा सा, इसको हल्का सा दबाना नहीं बहुत ज़्यादा, और सीधा इस तरह कर लेंगे। देखिए, और अभी से ही लेयर दिख रही है। थोड़ा गोल कर लेंगे तो जैसे कि काटते वक्त जो चिपक जाता है ना एक तरफ, तो इस तरह से जब कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा बेलते वक्त। इस तरह से हमने
अच्छे से सेट कर लिया इसको, इस तरह से कर लिया है। अब ढक के रखना है इसको और एक एक गोली लेकर थोड़ा सा इसको बेलेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हाथ से इस तरह हल्के हाथ से ऐसे से कर लें और थोड़ा सा हम हाथ में इस तरह से, बहुत ज़्यादा परथन नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है। बहुत दबा के नहीं बेलना इसको, जिससे इसकी लेयर अच्छे से निकल आए। बहुत पतला नहीं बेलेंगे, बस इतना ही रखेंगे। इसी तरह सब बेल लेते हैं। एक और बेल के दिखा देते हैं आपको। हाथ से चिपटा किया इस तरह, थोड़ा सा हाथ में इस तरह लगाया। तो ये इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी लेयर आसानी से खुल जाए। बहुत परथन नहीं लगा रहे हम, लेकिन थोड़ा सा लगा लेंगे तो इजीली एक एक लेयर निकल जाएगी। अब वो दबा के नहीं बेलना, अब बहुत पतला भी नहीं इसको बेलना है, बस थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है। तो इस तरह सब बेल लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। कढ़ाई पर रिफाइंड ऑयल है, इसमें एक टुकड़ा डाल के देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा तेल गर्म लग रहा है, तुरंत उठा रहा है, तो अभी हम माफ़ कर दे रहे हैं। तो आप भी इसी तरह करिए कि बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए कि एकाएक हमारी पूड़ियाँ ऊपर आ जाएं, तभी खस्ती होंगी। जो थोड़ा सा ये लो टू मीडियम रहेगा। तो अभी अच्छे से गर्म हो गया है, देखिए अच्छे हाथ लग रहा है कि गर्म है ये। तो हम डालना शुरू करते हैं, इसको निकाल लेते हैं पहले। तो हमने ऑफ कर दिया है, तो डाल लेते हैं। अब ऑन करेंगे, अबे जितना आएगा इसमें उतना ही डालेंगे, तीन डालेंगे बस। इसको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, ऊपर आने देंगे, थोड़ा धीमा कर देते हैं। अभी अपने आप ऊपर आएगा, तब फिर हम इसको टर्न करेंगे। तो जो हमने परथन लगाया उससे थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन परथन लगाने से क्या हुआ है, थोड़ा सा इसकी अच्छी लेयर आती है। ऊपर आइए, इसको हम टर्न कर देते हैं। तो अगर बहुत पतला बेलेंगे तो इसकी लेयर बाहर निकल आएगी, तो बहुत ज़्यादा पतला ना करिए। जो हमारा ज़्यादा पतला था, तो देखिए इसकी लेयर आ गई, जो थोड़ा ठीक था वो सही है। तो इसको अब एक तरफ हो गया, तो हम टर्न कर दिया हमने इसको, इसको होने देंगे। तो मीडियम पे हमने कर दिया है, इसको थोड़ा सा पकने देंगे। टर्न हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक परत इसकी निकली हुई है, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा बना है। तो इस बार होली पे आप इसी तरह बनाइए, लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे कि कहाँ से मंगाया इसको आपने। इसी तरह हम सारा अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब तेल किनारे ऐसे कर लीजिए, सारा गिर जाता है। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, अभी मन हो रहा खा लें। तो और भी इसका फ्राई कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये। तो जो थोड़ा सा पतला बना था उसके अलग अलग परतें एकदम से निकल गई हैं, देखिए। और जो थोड़े से हमने ठीक रखा है वो इस तरह से होगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको पतला रखना है तो इस तरह से आएगा, और थोड़ा सा ठीक रखेंगे तो इस तरह से आएगा। तो बहुत ही क्रिस्पी है, कोई भी आप देखिए इसका। आप देखिए एक ही बार में सारा चूरा हो गया। तो यही खस्ता लेयर की यही एक निशानी है कि बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होता है, बहुत ही खस्ता होता है, मुंह में डालो तो एकदम मक्खन की जैसा, जिसको मक्खन से बनाया हमने इसको। तो बिल्कुल बहुत ही टेस्टी है। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। तो देखने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड, आपको बनाना होगा। बनाने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कैसा बना और आपको ये कैसा लगा। झटपट हमने इस तरह से खस्ता लेयर मछली बना ली है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता। इसकी एक एक परतें आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी लग रही है देखने में। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टेस्टी है और कितना एक खस्ता है। तो बनाइए, और जो जो चीज़ें हमने बताया वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप इसको फॉलो करिए, तो इससे भी अच्छा बनेगा। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड बनाना ज़रूरी है, एक बार बनाइए और आपका कैसे बना ये भी बताइएगा कमेंट करके। तो बनाइए, बना के खाइए, खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फैमिली फ्रेंड में। बेल आइकन जो क्लिक करिए, जैसे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपसे जल्दी पहुंचे। और कमेंट करके जो बताया करिए हमारी रेसिपी आपको कैसे लगती है। तो मिलता है एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।